लोग उधर रखो हाँ हाँ जी अच्छा ओके ठीक है ओके हाँ उनका होली आ रही है तो क्या कहना चाहेंगे आप जी आई थिंक इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल यार मैं बचपन से बहुत एक्साइटेड रहता हूँ मुझे याद है कि हम लोग एक रात पहले से गुब्बारे बनाना शुरू कर देते थे और यू नो गिनते भी थे हम तीन भाई हैं तो हम गिनते भी थे कि मेरे कितने गुब्बारे हैं और उसके कितने गुब्बारे हैं आई थिंक ये छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं जो होली को बहुत स्पेशल बनाती है तो इस साल भी आई थिंक यू नो मैं उसी तरह सेलिब्रेट करना चाहूँगा और पहले अपने परिवार के साथ और उसके बाद यू नो विथ माई पंचनामा टीम ऑल्सो वी विल बी सेलिब्रेटिंग सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट ब्लास्ट ऑन होली कितना स्पेशल मानते हैं आप होली को बहुत स्पेशल है आई थिंक होली और दिवाली जो यू नो हमारे दो बहुत प्रोमिनेंट त्यौहार हैं उसमें से मतलब मैं होली थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे पटाखों से थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए फ्रेंडली नहीं है एटमॉस्फेयर के लिए तो होली एक ऐसी चीज़ है जहाँ अब आपको इको फ्रेंडली कलर्स भी मिलते हैं सो प्लीज़ आप उनके साथ खेलिए बिकॉज मैं हमेशा जब भी स्टॉल पर जाता हूँ तो मैं इको फ्रेंडली कलर्स ही लेता हूँ और इट्स अ ग्रेट वे टू सेलिब्रेट होली यार आई मीन थोड़ा सा मैसी होता है फेस्टिवल लेकिन वही एक बात होती है जो आई थिंक दो लोगों के बीच में यू नो दे बॉन्ड टुगेदर एंड इस बार किसके साथ में आप होली सेलिब्रेट करने वाले हैं फ्रेंड्स के साथ में फैमिली के साथ में जी शुरुआत आई थिंक हमारी पंचनामा की टीम के साथ ही होगी हम लोग हर साल हम लोग पिछले दो सालों से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं साथ में तो आई थिंक हम एक दूसरे को पहले उठाएंगे घरों में घुसकर एक दूसरे के और उसके बाद खींच के होली खेलने ले जाएंगे सुबह सुबह और आई थिंक वैसे शुरुआत होगी फिर थोड़ा टाइम यू नो अपने परिवार के साथ भी मैं होली खेलना चाहूँगा तो आई थिंक आई एम गोना सेलिब्रेट इट विद माय फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरीवन एंड अगर बात करी जाए अगर होली की कि किस तरीके से सेलिब्रेट करना आपको ज़्यादा पसंद है मतलब ड्राई होली और कलर वाली होली किस तरीके से आई थिंक होली थोड़ी कलर्स के साथ ना हो तो मतलब होली क्या होली होली कैसे होगी आई थिंक डेफिनेटली थोड़ी कलर्स के साथ खेली जाती है आई थिंक मुझे हर बार हम लोग एक दूसरे को वो जो पूल होता है बकेट होता है या एक ड्रम जिसे कहते हैं उसमें एक दूसरे को डुबा देते हैं तो वो एक हम लोग हर साल करते हैं आई थिंक बट आई थिंक पानी वेस्ट होता है तो यूजली इतना नहीं वो चीज़ें करनी चाहिए तो इस साल मैं उस चीज़ों का ख्याल भी रखूँगा और आई थिंक हाँ तो गोना सेलिब्रेटेड दैट वे एंड होली में जैसे कहते हैं कि अपने अंदर की एक बुरी चीज़ को जलाकर होली को मनाया जाता है तो अगर एक कोई बुरी चीज़ अगर आप अपने में खुद में चेंज करना चाहें तो क्या चीज़ बदलना चाहेंगे आप जी आई थिंक मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ आई थिंक आई ओवर थिंक अ लॉट तो वो एक बुरी क्वालिटी है जो मैं अपने बारे में थोड़ी सुधारना चाहता हूँ मैं सुधार रहा हूँ आई थिंक होपफुली सुधर जाएगी तो होली पे मैं अगर मुझे वो मौका मिले तो मैं अपने बारे में वो चीज़ चेंज करना चाहूँगा कि मैं थोड़ा कम सोचना चाहूँगा कम चीज़ों को गहराइयों से मतलब टटोलना चाहूँगा तो आई थिंक वो चीज़ आई मीन कोशिश करूँगा एंड लाइफ में कलर्स की अगर बात करी जाए तो क्या महत्व रखते हैं लाइफ में कलर्स हाँ आई थिंक कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ यार बेरंग जिंदगी किसे नहीं पसंद है मतलब नो वन लाइक्स इट एंड आई थिंक देर शुड बी सम कलर इन लाइफ बीट हैप्पीनेस जॉय सॉरो किसी भी तरह का इमोशन आई थिंक ये आई थिंक हर किसी की जिंदगी में ऊंच नीच तो चलती रहती है सो आई थिंक दैट्स व्हाट द सेलिब्रेशन इज ऑफ लाइफ एंड कलरफुल त्यौहार है तो मतलब अगर बॉलीवुड में अगर बात करी जाए तो आप किस एक्टर का नाम लेना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा कलरफुल है आई थिंक रणवीर सिंह एंड मिस्टर सलमान खान ये दो लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है बहुत ही हाई एनर्जी यू नो पीपल हैं एंड आई थिंक दे आर समवन हु इंस्पायर मी अलॉट सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग देम के हाउ दे आर एंड हाउ दे सेलिब्रेट लाइफ ऑन अ डेली बेसिस उनके लिए जैसे हर दिन एक होली होती है एंड आफ्टर प्यार का पंचनामा मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहा लोगों ने फिल्म बहुत पसंद की मतलब ये माध्यम से मैं ये आपको आज कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू द फिल्म एंड टू अस यू गाइज मेड इट पॉसिबल और आप लोगों ने रिलेट की फिल्म से तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा यार आज भी जब मतलब मेरे कॉलेज के दोस्त यार जब भी मुझे टकराए हैं इस दौरान तो उन्होंने हमेशा कहा है कि हाँ यार तूने हमारे दिल की बात कह दी कि मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी ही करती है तो वो एक चीज़ बहुत हिलेरियस होती है और यू फील हैप्पी अबाउट इट तो आने वाले टाइम में आप कुछ अलग जॉनर का आप कुछ करना चाहेंगे मतलब इसी टाइप की कुछ फिल्म्स करना चाहेंगे आप नहीं नहीं जी ज़रूर मैं हर तरह की फिल्म करना चाहूँगा यार मैं हर तरीके की फिल्म मतलब सीरियस से लेके हार्डकोर कमर्शियल कॉमिक फिल्म से लेके मैं बहुत ही ग्रीडी एक्टर हूँ
तो मैं ऐसी स्क्रिप्ट्स देख भी रहा हूँ, ऐसी स्क्रिप्ट सुनना भी चाहता हूँ, ऐसी फिल्में करना भी चाहता हूँ. हमारे देश में इतने बेहतरीन फिल्म मेकर्स हैं, सो मैं उनके साथ डेफिनेटली काम करने का मौका ढूंढ रहा हूँ और करना चाहता हूँ. कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, कुछ चीज़ें चल रही हैं, बट जब तक यू नो चीज़ें फाइनल ना हो जाए, यू नो पापा हमेशा सिखाते थे कि उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहिए. तो एक बार जब वो चीज़ें पक्की हो जाएंगी तो फिर मैं आपको बताऊँ. एंड सोहेल सर के साथ में एक आपकी फिल्म भी आ रही है, मैं पंजाबी निकाह करके. जी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, उस चीज़ को अभी थोड़ा वक्त है, बिकॉज एक दूसरी फिल्म सोहेल भाई अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद वो फिल्म हमारी जो है फ्लोर पर जाएगी. तो फिलहाल उस चीज़ को काफ़ी टाइम है, तो जब तक वो चीज़ फाइनल नहीं होती हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं. एंड ओमकार, अगर बात अगर होली की करी जाए तो कोई एक मेमोरीज, कुछ मतलब जो हर इंसान की एक यादें होती है, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप कुछ? मेमोरीज आई थिंक बहुत स्पेशल मेमोरीज रही हैं यार थ्रू आउट बचपन से. जैसे मैंने कहा कि मैंने ओपन ही रखा था, बंद किसने किया था? नहीं नहीं, उसको भेड़ के रख दे ताकि पता रहे तो कोई आ जाए. हाँ ओके, मैं फिर से कर लेता हूँ. सो अगर कोई मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे जो होली की रही हो, कि काफ़ी यादें होती हैं होली में? होली के लिए डेफिनेटली यार बहुत सारी स्पेशल मेमोरीज रही हैं, बिकॉज बचपन से लेके हर साल होली का एक अलग एक महत्व रहा है हमारी ज़िंदगी में. यू नो जब हम बच्चे थे तो मुझे याद है कि रिश्तेदार हमारे मम्मी पापा के यू नो फैमिली वाले सब हमारे लिए मिठाइयों और गिफ्ट्स लेके आते थे, तो हम लोग बेचैनी से इंतज़ार करते थे कि यू नो कल होली है, कल मिठाइयाँ आने वाली हैं. तो एक बहुत ही स्पेशल त्यौहार है. इस साल भी मैं अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाना चाहूँगा, जो कि मेरा ट्रेनर अलाउ नहीं करता. वो कहता है कि नहीं, होली पर चीट मत करना. सो आई थिंक हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो होली का नाम सुनते ही मतलब सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि मतलब इस बार क्या धमाल करने वाले हैं? होली का नाम सुनते ही पहला ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि कोई मुझे बस पानी के ड्रम में ना फेंके. ये कई बार मेरे साथ हो चुका है कि यू नो मेरे दोस्त यार हम भी करते थे, लेकिन कई बार सुबह सुबह आपको उठने से पहले ही कई बार आपके घर में घुस के आपको रंग लगाया जाता था, फिर आपको उठा के बाहर लेके आया जाता था, फिर सीधा पानी में डाल दिया जाता था. तो वो बस एक डर रहता है कि ये ना हो. अगर एक बार इस बार अगर सबसे पहले अगर आपको किसी को कलर लगाने का अगर मौका मिले जिसे आप लगाना चाहते हैं, तो किसको लगाना चाहेंगे सबसे पहले कलर? इससे सबसे पहले मैं सबसे पहले किसे कलर लगाना चाहूँगा? अपने अपनी पूरी टीम को यार, पंचनामा की टीम को. आई थिंक हम लोग काफ़ी एक्साइटेड रहे थ्रू आउट द जर्नी एंड सक्सेस के बाद भी, तो आई थिंक हम लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं और खूब सारा एक दूसरे को कलर लगाने वाले. उनका प्यार का पंचनामा वाले जो गाइस हैं, पंचनामा जो गाइस हैं, तो उनके साथ में भी आप होली सेलिब्रेट करने वाले हैं, कोई प्लान है? जी जी, मैं शुरुआत मैंने जैसा कहा कि वहीं से होगी. आई थिंक कोई ना कोई या तो हमारे डायरेक्टर साहब लवरंजन जी या कार्तिक या सनी, आई थिंक हम में से कोई एक दूसरे को उठाएगा और फिर भगा के होली यू नो खिलाएंगे. एंड उनका यहाँ पर तस्वीरों में भी कुछ होली का कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, आई थिंक ये मेरी नीस है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसे हमने शुरुआत में, ये भी हमने बचपन में उसको पहले होली का कलर लगाया था. ये मेरे बड़े भाई हैं विकास, जिन्हें आप जानते होंगे. ये हम तीन भाई हैं, ये मेरे मम्मी पापा हैं, और हाँ ये कुछ मेमोरीज हैं हमारी जो साथ में रही हैं. एंड जाते जाते फैंस और व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? फैंस और व्यूअर्स से मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हैव अ ग्रेट होली, एन्जॉय, सेलिब्रेट इट वाइजली. थोड़ा ख्याल रखिए, गलत रंग मत इस्तेमाल करिए, आई मीन बहुत हार्मफुल होते हैं. और प्लीज़ इको फ्रेंडली कलर्स यूज़ कीजिए, बिकॉज वो अब अवेलेबल है मार्केट में, तो आप हमेशा वो कलर्स यूज़ कीजिए जो धुल जाए आसानी से और नेचर को भी दिक्कत ना हो. तो आई थिंक यूज़ दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू फैजान. आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फेस्टिवल. आई थिंक यू नो हम लोग सब बहुत इन्जॉय करते हैं. मैं दिवाली और होली बहुत खुशी से इन्जॉय करता हूँ. होली थोड़ी ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, बिकॉज यू नो थोड़ा सा इट्स अ फेस्टिवल ऑफ बॉन्डिंग. तो बहुत मज़ा आता है, मुझे बचपन से मैं खेलता आया हूँ और मुझे याद है बहुत सारी मेमरीज भी हैं होली के साथ. तो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग. तो कितना स्पेशल मानते हैं आप होली को? बहुत स्पेशल है, बिकॉज एक ऐसा त्यौहार है जहाँ
आप हर किसी के साथ खेलते हो, यू नो, आप परिवार के साथ सुबह सुबह आप शुरू करते हो आप पूजा के बाद, यू नो, फिर मिठाइयाँ आती हैं बहुत सारी, तो आप मिठाइयों के साथ यू नो यू सेलिब्रेट होली, फिर रंग लगते हैं एक दूसरे को, कई बार आप बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में भी होते हो, तो वो बहुत ही एक फ़न त्यौहार है। अगर होली की बात करी जाए तो इस बार आप किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हो? होली इस बार पहले में तो मैं अपने परिवार के साथ शुरू करना चाहूँगा खेलना, और उसके बाद धीरे धीरे मैं फिर पंचनामा की टीम के साथ, मेरा जो प्लान है, हम लोग यूजुअली हर साल पिछले 2 साल से खेलते हैं, तो हम एक दूसरे के घर से, मैं कार्तिक को उठाऊंगा, कार्तिक सनी मुझे उठाएंगे, इस तरह फिर हम होली सेलिब्रेट करेंगे। जिंदगी में आपके मतलब कलर्स कितने मतलब महत्व रखते हैं, कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं? जी बहुत रखते हैं, आई थिंक बिना रंग के क्या जिंदगी, आई थिंक योर लाइफ हैज़ टू बी कलरफुल, सो विद अप्स एंड डाउन्स तो वो तो चलते रहेंगे, बट आई थिंक इट हैज़ टू बी कलरफुल, सो जस्ट बी हैप्पी यार। और बात अगर आपकी करी जाए तो किस तरीके की होली आपको ज़्यादा पसंद है, कलर्स वाली, ड्राई होली? आई थिंक बिना रंग के होली नहीं खेली जा सकती, थोड़ी बहुत मेरा मानना है, तो आई थिंक लिटिल बिट ऑफ कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ इको फ्रेंडली कलर्स यूज़ कीजिए, अब वो मार्केट में अवेलेबल है तो डेफिनेटली प्लीज़ वो यूज़ कीजिए। एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में अगर बात करी जाए कलरफुल, सबसे ज़्यादा कलरफुल आपकी नज़र में कौन है, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? बॉलीवुड की अगर बात, सबसे तो रणवीर सिंह, आई थिंक ही इज समथिंग हु इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कलरफुल एज अ पर्सनैलिटी, सो आई थिंक ही वुड बी वेरी वेरी वन। सर और कोई अगर आप होली से रिलेटेड अगर आप कोई मेमोरी शेयर करना चाहें? और कोई अगर होली से रिलेटेड आप कोई मेमोरी शेयर करना चाहें? आई थिंक बहुत सारी मेमोरीज हैं, बचपन में मुझे याद है कि हम लोग एक दिन पहले से गुब्बारे फुलाना शुरू कर देते थे और गिनते थे कि मेरे कितने हैं, हम 3 भाई हैं, तो हम अपने अपने गुब्बारे बनाते थे और रेडी होते थे कि कल सुबह फिर अटैक करेंगे एक दूसरे पे, तो वो बहुत स्पेशल मेमोरी है होली की। तो हाँ, आई थिंक जस्ट प्ले अ वेरी वेरी सेफ एंड हैप्पी होली टू ऑल द व्यूअर्स, एंड प्ले विथ ऑर्गेनिक कलर्स एंड सेव वाटर, हमें आगे चल के दिक्कत होगी तो अभी बचा लीजिए पानी, सो आई थिंक या एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। थैंक यू।